और अब ऑपरेशन आदमखोर की बात करते हैं। बहराइच और जो उसके आसपास के तमाम इलाके हैं वहां पर आदमखोर भेड़िए का कहर काफी ज्यादा नजर आ रहा है। यहां पर लोगों ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले ली है। इलाके के लोग लाठी डंडे थामकर पहरेदारी करने पर मजबूर है। बीते 2 महीने से आदमखोर भेड़िया 3 बच्चों समेत 9 लोगों की जिंदगियां लील चुका है। भेड़िए की तलाश के लिए 3 DFOs 200 से ज्यादा कर्मचारियों की टीम को तैनात किया गया और 5 जिलों का वन महकमा भेड़ियों की तलाश कर रहा है। साथ ही महसी के स्थानीय विधायक भी अब भेड़िए की तलाश के लिए जुट गए हैं। तो ऑपरेशन आदमखोर चल रहा है। लोगों ने अपनी अपने परिवार की अपने इलाके की जिम्मेदारी को की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खुद ही जिम्मा संभाल लिया है। और बहराइच का रुख करेंगे, नीतीश वहां से हमारे साथ हैं। नीतीश, 3 DFO 200 कर्मचारी इस पूरे ऑपरेशन आदमखोर में जुट गए हैं, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन आदमखोर की यहाँ पर पूरी की पूरी कवायद यहाँ पर जारी है, ऐसी स्थिति में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे वाकये के पीछे कौन है, क्योंकि कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से अगर बात करें तो 46 दिन का ये पूरा 9 मौतों का रहस्य है और इन 9 मौतों के बाद भेड़िए के होने का शक जताया जा रहा है। वन विभाग की टीमें सक्रिय हैं, तो जो CCTV लगे हैं उसमें भी कुछ CCTV में कुछ दिखा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब वन विभाग की टीमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचती हैं तो वो किस रूप में सामने आता है। फिलहाल जो चर्चाएं हैं वो आपको बता दें कि इसके पीछे किसी आदमखोर भेड़िए के होने का शक जताया जा रहा है, क्योंकि लगभग 50 की संख्या में लोग घायल हैं और वो ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा जानवर है जो पीछे से आता है और हमला करके भाग जाता है। लेकिन एक आशंका और जताई जा रही है कि इस सारी मौतों के पीछे कहीं कोई साइको किलर तो नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि अभी पूरी तरह से यहाँ पर खोज की जा रही है, इसके साथ ही जो पुलिसिया जांच है वो भी जारी है। जी बिल्कुल नीतीश, 7 दिन से ऊपर का समय बीत गया, लगभग 2 महीने से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। ये भेड़िया लगातार इस तरीके से अटैक कर रहा है, कई जिंदगियां लील चुका है। इस बीच देखिए, नीतीश के पास लौटू, 3 DFOs इस पूरे मिशन में जुटे हुए हैं ऑपरेशन आदमखोर में। बहराइच की DM ने बाकायदा खुद मोर्चा संभाल लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हालात वहां पर है, उसमें लोगों ने भी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है। नीतीश, क्या वजह है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो मुस्तैद है, लोग मुस्तैद हैं, वन विभाग मुस्तैद है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा? देखिए, सारी टीमें अपने अपने तरह से पूरी तरह से जुटी हुई है। अगर बात करें तो आपने भी जिस तरह से बताया कि जो यहाँ के जिलाधिकारी है मोनिका रानी, उन्होंने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा वन विभाग का पूरा कुंडा, अगर बात करें तो पड़ोसी जनपदों के लगभग 5 जनपदों के जो वन विभाग के अधिकारी है वो पूरी तरह से कैंप किए हुए हैं यहाँ बहराइच में। अब इन सब के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो थोड़े दिनों का इंतजार, थोड़े समय का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन जहां पर भी सूचनाएं आ रही हैं, ड्रोन की मदद ली जा रही है, ड्रोन के माध्यम से यहां पर जो आदमखोर है जिसकी चर्चा है उसकी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो अन्य इसके पहलू है, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं, प्रशासनिक टीम एक और शक जता रही है कि कहीं इन सब के पीछे कहीं कोई साइको किलर तो नहीं है। आखिर ये जो 9 मौतें हुई हैं इनके पीछे का जो रहस्य है वो क्या है, छक पिछक जो तो बहराइच में मौजूदा हालात कैसे, ऑपरेशन आदमखोर को कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से तैयारियां हैं, उस पर लगातार बहराइच से रिपोर्ट करें नीतीश। नीतीश, मैं आ रही हूं आपके पास। इस बीच लोग पूछ रहे हैं कि बहराइच में अब तक 9 लोगों को मार चुके भेड़िए का इलाज कब होगा, कैसे होगा? आदमखोर भेड़िया इलाके में कई लोगों को जख्मी कर चुका है, कई जिंदगियां लील चुका है, और लेकिन लोगों के पास सिवाय दहशत में रहने के लिए कोई चारा नहीं है दूसरा। रात को लोग उठ उठ कर अपनी खुद की पहरेदारी करते हैं। खौफ का आलम तो ये हो गया कि लोगों ने अब पूरा का पूरा मोर्चा खुद संभाल लिया है अपनी सुरक्षा को, अपने अपनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। यहां चारों ओर दहशत ही दहशत है। ईद आप लाग रहा है? हाँ। अब तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 लोगों को आदमखोर अपना शिकार बना चुके हैं। आज बहराइच में आदमखोर ने एक और बच्चे को अपना शिकार बना लिया है। जब तक किसी को उस बच्चे की कोई खोज खबर मिलती, तब तक
बहुत देर हो चुकी थी। सुबह सुबह बच्चे की लाश गांव के खेत में मिली। गांव वालों की भीड़ के बीच बच्चे की लाश खेत में पड़ी हुई थी। बहराइच में भूखे भेड़िए खून के प्यासे हो गए हैं। ना ही बंदूकें और ना ही हाथी की ताकत इनके आतंक को रोक पा रही है। नरबच्चे के आतंक से परेशान लोगों की जान बचाने के लिए विधायक खुद बंदूक लेकर के इलाके की गश्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण भी अपने मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिले के तमाम अफसरों की टीम मौके पर मुस्तैद है। वहीं 5 जिलों का वन महकमा भी मौके पर तैनात है। इलाके के विधायक हाथों में बंदूक थामे इन आदमखोरों को खत्म करने के लिए निकले हुए हैं, तो इन्हें ढूंढने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। इन्हें पकड़ने के लिए बहराइच वन विभाग की 9 टीमें, कतरनिया घाट की 2 टीमें, गोंडा की 1 टीम भी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि नरभक्षी भेड़िए ने बच्चे को नोच नोच कर मार डाला। गाँव वालों के मुताबिक भेड़िया रात में शिकार पर निकला था। कल रात भी उसने ऐसा ही किया। 4 बजे उसकी माँ की नींद खुलती है तो देखती है कि मेरा बेटा नहीं है मेरे साथ। शोर मचाती है। शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, उसको खोजते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। खेत में अपने लाडली की लाश लेकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद बच्चे के घर में रोने चीखने की आवाजें आने लगी। कितने बजे लेके इधर परिवार को सांत्वना देने के लिए बहराइच की DM मोनिका रानी भी खैरी घाट गाँव पहुँची है। उनके साथ पुलिस और प्रशासन की एक बड़ी टीम है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद गांव में ही खड़े खड़े DM ने अधिकारी को नए निर्देश दिए। थोड़ी मैपिंग करनी पड़ेगी, जैसे पिछले 6 साल घटना है, 1 घटना हुई, 2 घटना हुई, 3 घटना हुई। आपको बता दें कि 25 तारीख की रात को एक 60 साल के बुजुर्ग को भी भेड़ियों ने नोच खाया था, तो वहीं 26 की रात एक 5 साल का बच्चा भेड़िए का शिकार हुआ था। इससे पहले 2 महीने के अंदर 7 बच्चों को भेड़ियों ने मार डाला था। यानी 2 महीनों के अंदर ही भेड़ियों ने 9 लोगों की जान ले ली है। तकरीबन 40 लोग ऐसे हैं जिन्हें आदमखोर भेड़ियों ने घायल कर दिया है। अब DM के निर्देश पर नए सिरे से आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की तैनाती शुरू हो गई है। चिंता की बात यह है कि हर गुजरते दिन के साथ भेड़िए भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। बहराइच से राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऑपरेशन आदमखोर लगातार जारी है, एक लंबा समय हो गया। इस बीच भेड़िए की तलाश में बड़ी टीम्स को, 200 से ज्यादा लोगों की एक टीम को तैनात किया गया है अलग अलग जगहों पर। देखिए कहां कहां पर भेड़िए की तलाश है, ग्राफिक्स आपके सामने है। महसी इलाका पड़ता है, वहां पर भेड़िए की तलाश में तमाम टीम्स है। मैकूपुरवा में, इसके अलावा कुम्हारानपुरवा जो है वहां पर भी टीम्स को लगाया गया है। गलकर में टीम्स लगी हैं, ये वो अलग अलग जगहें हैं बहराइच की जहां पर भेड़िए की तलाश के लिए टीम्स को उतारा गया। 47 दिन में 38 अटैक हो चुके हैं, लेकिन भेड़िया कहां पर है ये तलाश लगातार ऑपरेशन आदमखोर के जरिए जारी। 35 गांव खौफजदा है, 9 लोगों को लील चुका है, मार चुका है भेड़िया, 3 बच्चों की जान ले चुका है भेड़िया, 22 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 8 से 10 भेड़ियों का यह पूरा आतंक है। इस आतंक पर विराम कब लगेगा? सारी टीम्स उतरी हैं, खुद बहराइच के DM उतरी हुई हैं इस ऑपरेशन आदमखोर पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी तक ये तलाश पूरी नहीं हो पाई है। तो भेड़िए की तलाश के लिए महसी, मैकपुरवा, कुम्हारनपुरवा, गलकर, ये अलग अलग जगह हैं जहां पर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। 9 लोगों को मार चुका है अब तक ये भेड़िए, और वन विभाग की 9 टीम्स लगी हैं, 200 कर्मचारी हैं कुल मिलाकर जो इस पूरे ऑपरेशन में मैदान पर उतरे हैं। इसमें इस बीच 3 DFOs भी मिशन के साथ जुड़ गए हैं। तमाम जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो उतरे हुए हैं, वन विभाग, स्थानीय प्रशासन, DM और खुद बहराइच की जनता अपनों की हिफाजत करने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए मैदान पर उतर आई है। Z News.